सबसे पहले तो रोड नाली है, सड़कें नहीं हो रही है, यहाँ से पानी दूर नहीं हो रही है। इसी में विधायक रहते हैं, इसी में काउंसलर रहते हैं, हमारा एमपी एमएलए सारे इसी कॉलोनी में रहते हैं, फिर भी कॉलोनी साफ नहीं है। तो वो पूरी दिल्ली को क्या साफ करेंगे? खाक नाला, नाला सही नहीं है, नाला को सही करवाओ, कचरा भरा हुआ नाला में। लेकिन एक साल से देखता हूँ यहाँ पानी भरा ही रहता है, जब भी देखो रोज वो लकड़ी से वहाँ पे नाला खोलना पड़ता है, फिर पानी जाता है। उन्होंने तो आपके लिए डीटीसी फ्री कर दी मैडम। जब रोड ही सही नहीं है तो वो फ्री करने से क्या फायदा, 10 गुना किराया लगा के जाना पड़ता है रिक्शे में, तो क्या फ्री कर दिया। मगर बहुत जल्द इस समस्या का समाधान करने के लिए विधायक जी खुद ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेने लग गए हैं और बहुत जल्द इस पे काम होता हुआ नजर आएगा। देखिए सौगात तो खिलाड़ी को बहुत मिला है जो पेपर में दिखा, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, जो जमीन पे दिख नहीं रहा। हॉस्पिटल है वही हाल है, बनना है वही हाल है, और अभी काफ़ी प्रोजेक्ट किराड़ी में है, गैस पाइपलाइन है उसका भी कुछ तक कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है, सीवर है जो अब तक फ्लॉपी साबित हो रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा का निठारी इलाका है और यहाँ पर सड़क के जो हाल है वो बेहद दहनीय है। यहाँ की सड़कें जिस तरीके से पानी से लबालब भरी हैं, ये पानी बरसात का नहीं बल्कि सीवर का पानी है, गंदा पानी है। ये वो पानी है जिस पानी को आप नाले में बहता देखते हैं, पर आज वो पानी सड़क पर यूं बह रहा है और उनके बीच में यूं गाड़ियां चलने को मजबूर हैं। न जाने कितनी गाड़ियां आए दिनों यहां पर ख़राब हो जाती है। समस्याएं बहुत सारी है, पर इन समस्याओं की सुनवाई करने वाला, समस्याओं का समाधान करने वाला कोई भी नहीं है। हम लोगों से जुड़ते हैं और क्या कुछ समस्याएं उनको हो रही है जानने की कोशिश करते हैं। और अरविंद केजरीवाल से खुश हैं? अरविंद केजरीवाल तो वो अपना महल बना ले वाले, क्या खुश होंगे। क्या केजरीवाल महल में रहते हैं? हाँ, वो आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और काय में रहते हैं। आप गरीबों को वो कहते थे हम आम आदमी हैं, नेशनल चलाते हैं, आप भी पानी में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? हम खड़े हैं, वो तो कहते हैं हम आम आदमी हैं। आम आदमी तो यहाँ आम आदमी की सेवा करने के लिए आया है, कौन सा सेवा हो रहा है? वो कह रहे हैं डीटीसी बस फ्री है, सब कुछ फ्री है, केजरीवाल पानी फ्री है, बिजली। हम जी स्कूल चमका दिया, स्कूल में जा करके देखो पंखे टेढ़े मेढ़े चलता नहीं है, बच्चे वैसे गर्मी में फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं पानी फ्री है, बिजली फ्री है। एक बात बताओ, पैंट सही पहन लोगे, कमीज फटा हुआ पहन लोगे, उससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा है? या तो दोनों चीज सही पहनो। अरविंद केजरीवाल को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या दिल्ली में? आप बनाओगे? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, आप बनाओगे? आप जनता है ना, आप अगर खुश हैं आप बनाओगे? हम आपकी राय जानने आए हैं। पब्लिक तो देखो हम सब बेवकूफ होते हैं, थोड़ी सी बस थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखा दिया, हम कहीं से कहीं कूद जाते। खुश है आप अरविंद केजरीवाल से? बिल्कुल नहीं, एकदम खुश नहीं है। क्या वजह है? वजह उन्होंने तो आपके लिए डीटीसी फ्री कर दी मैडम, आप खुश नहीं है? बताओ, फ्री जब रोड ही सही नहीं है तो वो फ्री करने से क्या फायदा, यहाँ से लेकर वहाँ तक तो 10 गुना किराया लगा के जाना पड़ता है रिक्शे में, तो क्या फ्री कर दिया? समस्या हमेशा पानी भरा रहता रहा है। इसकी शिकायत कभी की किसी को? उसको कोई सुनता नहीं है ढंग से, कोई नहीं सुनता है। आज केजरीवाल जी अब जब एमसीटी में आ गए हैं तो सफाई कर्मचारी आते हैं क्या? आते हैं, आते फिर साफ करते, फिर पानी भर जाता है। ये रोड इतना गंदा है, यहाँ पर क्या कुछ दिक्कतें होती हैं? दिक्कत या पानी का निकास नहीं इस कॉलोनी में। अरविंद केजरीवाल जी को क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कहेंगे, वो तो अपना अब महल में रहते हैं, यहाँ तो पब्लिक कैसे झेल रहे हैं उन्हीं को पता है, पब्लिक को ही पता है। क्या कुछ दिक्कतें होती हैं भैया, बाइक लेकर आप यहाँ पे जा रहे हैं रोड पे, क्या कुछ दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें तो होती हैं यहाँ पे, सभी को दिक्कतें होती हैं। बाइकें खराब हो जाती हैं क्या? बाइकें क्या सब हर जगह खराब होती हैं यहाँ पे, कोई सी गाड़ियाँ कामयाब नहीं होती, पानी में सारी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल जी किस को क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी को क्या कहना है, यहाँ का जो निगम पार्षद है, यहाँ पे जो भी है एमएलए है, यहाँ पे कोई काम करवाने लायक बंदा नहीं है, ना कोई काम करता है यहाँ पे। ऋतुराज जी से खुश नहीं है? कोई खुश नहीं है भाई यहाँ पे, किसी से पूछ लो आप, कोई खुश हो तो बता दो हमें। अब दोबारा चाहते हैं कि ऋतुराज विधायक बने ना? कभी नहीं चाहते। देखिए कितनी सारी समस्याएं यहाँ पर लोगों को हो रही हैं। गाड़ी ठीक कर रहे हैं क्या? एक सेकंड, इस तरफ हम लोग आते हैं, क्या कह रहे हैं? ये बंदा पानी में गाड़ी ठीक कर रहे हैं, जगह ही नहीं है, गाड़ी खराब हो जाती है। हाँ, गाड़ी खराब हो जाती है, रिक्शा पलट जाते हैं यहाँ पे, बदलाव चार चक्का वाला उस दिन खराब हो गया था चार चक्का। देखिए समस्याएं बहुत सारी है, ये रोड आप दिखा दीजिए किस तरीके से बाइकें निकल रही हैं, स्कूटियां निकल रही है पानी के बीचों बीच,
किस तरीके से निकल रहे हैं, कहाँ गड्ढा है, किस तरीके के रोड हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली को लंदन बना दिया गया है, पेरिस बना दिया गया है, पर लंदन या पेरिस ऐसा होता है? सर, आपके इलाके में जो तमाम समस्याएं देखने को मिली हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि इलाके में इतनी सारी समस्याएं देखने को मिल रही है? सर, इलाके में पूरे क्षेत्र में विकास कार्य चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है, रोड नालियों का काम चल रहा है, कहीं पानी की लाइन भी डाली जा रही है, इस वजह से समस्याएं हैं। मगर बहुत जल्द इस समस्या का समाधान करने के लिए विधायक जी खुद ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेने लग गए हैं और बहुत जल्द इस पे काम होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं वजह क्या है कि इतनी सारी समस्याएं हैं, एमसीडी में इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जनता? 15 साल से एमसीडी का कुशासन लोगों ने देखा है, अभी हमें मौका, लोगों ने, जनता ने मौका दिया है, अब कुछ समय दीजिए, बहुत जल्दी आपको हालात बदले हुए नजर आएंगे। साफ सफाई पे हमारी डेली मॉनिटरिंग है, पहले सफाई कर्मचारी गिनती के आते थे, आज मैक्सिमम सफाई कर्मचारी आ रहे हैं। लोगों से के बीच में जाके भी एक बार आप बात करेंगे तो उनको पहले और अब में सफाई में तो कम से कम फर्क नजर आएगा ही। अरविंद केजरीवाल को जो शक्ति दी गई थी बीते दिनों कि वो ट्रांसफरिंग कर सकते थे, और अब जिस तरीके से देखा गया उनकी शक्ति उनसे छीन ली गई है, इस पर सर क्या कहना? तो बीजेपी का पूरी तरीके से तानाशाही रवैया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने पूरी तरीके से पलट दिया है, अध्यादेश रात में अध्यादेश जारी करके एलजी को फिर सुप्रीम पावर दे दी। अंत में जनता को क्या कहना चाहेंगे, जनता को किस तरीके से आश्वस्त करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? जनता को यही कहना चाहूंगा कि मेरा फोन नंबर आपके पास है, जो भी समस्या है एमसीडी को रिलेटेड, जो भी समस्या है आप मुझसे फोन पे अपनी समस्या बता सकते हैं, मैं दफ्तर पे अवेलेबल रहता हूँ, आप कभी भी आके दफ्तर पे हमें समस्या बता सकते हैं, जो भी एमसीडी से रिलेटेड समस्या होगी वादा है 2 दिन के अंदर उसका निवारण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग से किराड़ी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, रिजवान खान जी, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। सर, यहाँ की सड़कों के जो हालात देखने को मिले, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपके विधायक कोई विकास कार्य नहीं करवा रहे? सर, सड़क की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो लोकल यहाँ पे रिहायशी लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको आए दिन दिक्कत होती है। सबसे पहले तो बिना प्लानिंग के काम हो रहा है, और ये इस चीज़ को विधायक ही इस चीज़ को सामने लेकर के आए हैं, हर कॉलोनी में वो जा रहे हैं, देख रहे हैं कैसे काम हो रहा है, कितना ख़राब काम हो रहा है। एलएनटी के पास काम है, लेकिन एलएनटी मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से काम करवा रही है, तो वो एलएनटी के लेवल का काम नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ की जनता परेशान है। और विधायक जी इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, ताकि वो उसको टाइट करें, एक मीटिंग बैठाएं, और जो कर्मचारी हैं या फिर जो भी उसके हाई प्रोफाइल के लोग हैं उनसे बात करके इसको बेहतर वो कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन लोग गिरते हैं, चोट लगता है, एक्सीडेंट होता है, काम बेहतर नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। 15 मार्च 2021 को अरविंद केजरीवाल आए थे किराड़ी के अंदर, उन्होंने 500 करोड़ की सौगात दी थी, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए थे, सतेंद्र जैन आए थे, वो काम कहीं तक आगे बढ़ पाया? देखिए, सौगात तो किराड़ी को बहुत मिला है, जो पेपर में दिखा, जो इंटरव्यू मैंने देखा, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, जो ज़मीन पे दिख नहीं रहा। हॉस्पिटल है वही हाल है, बनना है वही हाल है, और अभी काफ़ी प्रोजेक्ट किराड़ी में है, गैस पाइपलाइन है, उसका भी कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। सीवर है जो अब तक फ्लॉपी साबित हो रहा है, क्योंकि इसको विधायक जी ने खुद साबित किया कि ये फ्लॉपी है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, अगर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट किराड़ी को मिला है, तो अगर प्लानिंग के तहत काम हो तो ये काम बेहतर हो सकता है और जनता के हित में होगा। फिर अभी जनता तो परेशान है, मतलब दस्तावेजों पर विकास हो रहा है पर रियलिटी में नहीं, दस्तावेज पे काम हो रहा है, जो हम पेपर में पढ़ते हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, सब पे किराड़ी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, किराड़ी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे नहीं है। जो यहाँ पे रिहायशी लोग हैं परेशान हैं, चाहे पानी से लेकर के, चाहे रोड से लेकर के, या घर नीचा होने को लेकर के, जनता यहाँ की बहुत ज़्यादा परेशान है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई अपने हक के लिए बोलिए, अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई दिक्कत हो रही है, रोड सही नहीं बन पा रहा है, आपका घर नीचे हो गया है, तो विधायक से मिलिए, विधायक से टाइम लीजिए, विधायक को अपनी बात रखिए, काम आपका होगा। आपके क्षेत्र में चुने हुए पार्षद हैं, और अच्छी बात है कि पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं, ठीक है, चाहे जो भी एक वार्ड में भाजपा के पार्षद हैं, तो आप अपनी बातों को रखें, अपनी बातों को अपने को मनवाएं और काम करवाएं, नहीं होगा तो फिर हम लोग बैठे हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ऋतुराज झा, समस्याएं बहुत सारी है पर समाधान कोई भी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है वो नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और केजरीवाल सरकार को 10 में से आप कितने नंबर देंगे वो नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर लिखकर बताएं, और देखते रहें झलको दिल्ली।